गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो मोटिवेशन है वो है दुष्यंत कुमार की गजल जो आज हम सुनेंगे। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा शास्त्रीय संगीत के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक शैली, हिंदुस्तान शैली और विभिन्न घरानों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मेनली आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संगीत से संबंधित घराने, ठीक है। तो हमारा जो मोटिवेशन गजल है वो है कि ये जो सहतीर है पलकों में उठा लो यारो, ये जो सहतीर है इसे पलकों में उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द ए दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्द ए दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा सा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं में फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं में फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते हैं कि ये बात नहीं थी कहने की, लोग कहते हैं कि ये बात नहीं थी कहने की, तुमने कह दी है इसकी सजा लो यारो। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगीत, भारतीय संगीत और उससे संबंधित घराने। भारतीय संगीत को हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किए थे, चार भागों में हमने डिवाइड किए थे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला था शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कहने का मतलब ये है ऐसा संगीत जिसमें शब्दों से ज़्यादा लय और आलाप में ध्यान दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत का अर्थ क्या होता है, संगीत की ऐसी शैली जिसमें आलाप और राग पर ध्यान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत का जो तरीका है वो उत्तर भारत में अलग है और दक्षिण भारत में अलग है। उत्तर भारत में इसे कहा जाता है हिंदुस्तान शैली या हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली। और शास्त्रीय संगीत को दक्षिण भारत में कहा जाता है कर्नाटक शैली, कर्नाटक शैली। आगे बात करते हैं जो दूसरा टाइप था वो था लोक संगीत। लोक संगीत में जैसे हमने पढ़ा पनिहारी के बारे में, बहुत सारे लोक संगीत के बारे में हमने पढ़ा, जैसे पनिहारी के बारे में पढ़ा हमने, बिरहा के बारे में, बिरहा, ठीक है, उसके साथ ही साथ हमने आला के बारे में पढ़ा, ओवी के बारे में पढ़ा और बाउल के बारे में पढ़ा। ये सब क्या है, ये सब थे लोक संगीत। लोक संगीत का अर्थ मतलब लोक संगीत का अर्थ होता है ऐसे संगीत जो किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, साथ ही साथ वो किसी ना किसी मान्यता से प्रभावित रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ते हैं। फिर जो तीसरा टाइप था वो था शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का जो मिक्सचर था, मतलब शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को मिला करके जिस संगीत का जन्म होता है उसे कहते हैं शास्त्रीय एवं लोक संगीत। इसमें ऐसे भजन है, कीर्तन है, श्लोक है, ये सब चीज़ें किसमें आएगी, ये आएगी शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में। इसके बाद जो अंतिम टाइप था भारतीय संगीत का वो था आधुनिक संगीत, आधुनिक संगीत, मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न म्यूजिक में क्या क्या आएगा, जैसे पॉप, रॉक, रैप, ठीक है, जैसे अच्छी मजा आई, अच्छी मजा आई, तो जैसी के साथ तो ऐसे ही होना था, ये क्या है ये क्या है, डीरो, एक रैप, एक रैपर है जिसका नाम है डीनो जैम्स, डीनो जैम्स का वो है रैप है कि अच्छा मजा, अच्छी मजा आई, अच्छी मजा आई, तो जैसी के साथ तो ऐसे ही होना था,
ठीक है, तो ये सब क्या है? रैप है, रैप, पॉप सॉन्ग, ठीक है, जॉर्ज, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा आधुनिक संगीत में, मॉडर्न म्यूजिक में ये सब आएगा। समझ आ रहे हैं? तो हमने क्या किया, भारतीय संगीत को चार भागों में डिवाइड किया, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की। कोई बात नहीं। तो जो पहला टाइप है वो है हिंदुस्तानी शैली। थोड़ा लिखेंगे हम, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे। लिखो शास्त्रीय संगीत में ऐसा संगीत जिसमें ऐसा संगीत, पहले तो शास्त्रीय संगीत में लिख लो एक दो लाइन, आगे लिख रही है क्या? कोई बात नहीं, शास्त्रीय संगीत फिर से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा संगीत जिसमें, ऐसा संगीत जिसमें शब्दों से ज़्यादा, ऐसा संगीत जिसमें शब्दों से ज़्यादा राग एवं आलाप में ध्यान दिया जाता है, ऐसा संगीत जिसमें शब्दों से ज़्यादा राग एवं आलाप में ध्यान दिया जाता है, साथ ही इसका इतिहास प्राचीन होता है। क्या मतलब है इसका? कि कई हजारों सालों से ये चला आ रहा है। फिर इसमें लिखो शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियां हैं, हिंदुस्तान शैली एवं कर्नाटक शैली। शास्त्रीय संगीत की दो शैली हैं, हिंदुस्तान शैली एवं कर्नाटक शैली। कर्नाटक संगीत, उसमें लिखो आगे, कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक सीमित है। देश के शेष भागों में हिंदुस्तान शैली प्रचलित है। देश के शेष भागों में हिंदुस्तानी शैली प्रचलित है। प्रारंभ में शास्त्रीय एवं हिंदुस्तानी शैली एक ही थी। किंतु 13वीं सदी के पश्चात इसमें परिवर्तन किया गया,
या इसमें इसमें विभाजन हुआ, 13वीं शताब्दी के पश्चात इसमें विभाजन हुआ। फिर हेडिंग डालो हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली। इसमें लिखो हिंदुस्तान शैली में, लिखो थोड़ा 13वीं शताब्दी, ठीक है उसमें। एक मिनट, इसमें लिखो भारतीय संगीत की, भारतीय संगीत का इतिहास, भारतीय संगीत का इतिहास सामवेद से माना जाता है, भारतीय संगीत का इतिहास सामवेद से माना जाता है, भारतीय संगीत का इतिहास सामवेद से माना जाता है, जिससे हमें सप्त स्वरों की प्राप्ति हुई है, हिंदुस्तान शैली को, हिंदुस्तान शैली को विभिन्न क्षेत्र विशेष में, हिंदुस्तान शैली को विभिन्न क्षेत्र विशेष में, हिंदुस्तान शैली को विभिन्न क्षेत्र विशेष में अलग अलग तरीके से गाए जाने के कारण, अलग अलग तरीके से गाए जाने के कारण विभिन्न विभिन्न जहां लिखे हो ना, सब ब्रैकेट में लिखो 10, मुख्यतः 10, मुख्यतः 10 शैली या घरानों में बांटा गया है, शैली या घरानों में बांटा गया है। ठीक है, देखो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत के दो टाइप है, हिंदुस्तान शैली और कर्नाटक शैली। दक्षिण भारत में कौन सी शैली? कर्नाटक शैली। उत्तर भारत में कौन सी शैली? हिंदुस्तान शैली। हिंदुस्तान शैली को भी फिर बांटा गया 10 भागों में। हिंदुस्तान शैली को कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में, 10 शैली हैं, या फिर ये जो 10 शैली हैं, इसी शैली को क्या कहा जाता है? घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घराना। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में बांटा गया। तो पहला लिखो इसी के अंतर्गत, हिंदुस्तान शैली के अंतर्गत पहला घराना लिखो ध्रुपद, ध्रुपद, ध्रुपद शैली या फिर घराना, ध्रुपद। क्यों फेमस था ध्रुपद? मतलब किसने इसको प्रसिद्धि दिया, मतलब प्रसिद्धि तक लेके गया? किसे लेकर गया? तानसेन। ठीक है, तो तानसेन कौन सा सॉन्ग गाते थे या कौन सी शैली में गाते थे? ध्रुपद शैली में गाते थे। ठीक है, तो लिखो इसमें ध्रुपद में, या ध्रुव और पद से मिलकर बना है, या ध्रुव और पद से मिलकर बना है, या ध्रुव और पद से मिलकर बना है, जिससे छंद और ध्रुव, मतलब एक तरीके से छंद और ध्रुव एवं, सॉरी क्या लिखा आपने, छंद और गाने के तरीके का पता चलता है, छंद और गाने के तरीके का पता चलता है। इसको या फिर इस
शैली को प्रसिद्धि, इस शैली को प्रसिद्धि अकबर के, इस शैली को प्रसिद्धि अकबर के दरबार में मिली या दरबार से ही मिली। इस शैली को प्रसिद्धि अकबर के दरबार से मिली जहां तानसेन और जहां तानसेन और बैजू बावरा निवास किया करते थे। फिर इसी में लिखना ग्वालियर के राजा मानसी तोमर ने, या ग्वाल क्या लिखा आपने, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में भी ध्रुपद कलाकार निवास किया करते थे के दरबार में भी महान ध्रुपद कलाकार निवास किया करते थे या फिर ध्रुपद कलाकार निवास करते थे। इसमें लिखो ध्रुपद रचनाओं में सामान्यतः चार से पांच पद होते हैं। सामान्यतः नरेंद्र एक मिनट पॉज करो, फिर लिखो इसमें ध्रुपद में इसे दो ध्रुपद गायकों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट लिखो डागरी घराना। देखो डागरी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, डागरी धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, सब धर्म समान, ठीक है। तो डागरी में क्या होता है, जो मुस्लिम लोग हैं वो गाते हैं, मुस्लिम गायकों द्वारा गाया जाता है, किंतु वो भजन गाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के भजन गाते हैं मुस्लिम लोग, किस घराने के अंतर्गत, डागरी घराने के अंतर्गत, समझ आ रहा है। तो कहना चाहिए कि ये क्या दे रहा है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश दे रहा है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, सांप्रदायिकता, ठीक है, धर्मवाद, कि हमारा जो धर्म है सर्वश्रेष्ठ है, बट जो डागरी घराना है वो एक मेल मिलाप का संदेश देता है। तो लिखो डागरी में यह मुसलमान गायकों द्वारा गाया जाता है, किंतु इसका विषय हिंदू देवी देवताओं के यह मुसलमान गायकों द्वारा गाया जाता है किंतु इसके विषय हिंदू देवी देवताओं के भजन अथवा कीर्तन होते हैं, हिंदू देवी देवताओं के भजन अथवा कीर्तन होते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसी में, जयपुर के गुंदीचा भाई दिख रहे हैं ना पीछे तक, जयपुर के गुंदीचा भाई। थर्ड लिखो
दरभंगा घराना, दरभंगा। दरभंगा के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या बोल रहे हो? दरभंगा, दरभंगा घराना। इसमें क्या होता है, मेनली आलाप में ध्यान दिया जाता है। आलाप मतलब समझते हो ना आप लोग, जो गाने के पहले जो गायक लोग निकालते हैं। वैसे मुझे नहीं आता है तो मैं आपको करके दिखाता, ठीक है? हाँ राजा, कैन यू ट्राई? नो, ठीक है। तो इसको लिखो दरभंगा में, ऐसे जो होता है ना, यही होता है अलग, ठीक है? मैं अच्छा ही गाता हूँ, ठीक है लिखो। गालिब ने कहा था कि जन्नत की हकीकत हमें भी मालूम है गालिब, लेकिन दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जन्नत की हकीकत हमको पता है कि हम कैसे हैं, बट कुछ ऐसा बोलना है जिससे हम खुद खुश हो जाएं। समझ आ रहा है? मैं स्मार्ट दिखता हूँ, हूँ नहीं हूँ वो बात अलग है, बट बोलना है मैं स्मार्ट दिखता हूँ, मैं अच्छा पढ़ना जानता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें करना जानता हूँ, ये सब बोलना है, ठीक है? क्यों बोलना है? ताकि आप ज़्यादा खुश रह सको। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करते हैं तो दुनिया पसंद कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, पहले तो खुद को पसंद करना है। समझ आ रहा है? तो टॉपिक में आते हैं, क्या टॉपिक था हमारा? दरभंगा। लिखो दरभंगा घराने में। इसमें आलाप में विशेष ध्यान दिया जाता है, इसमें आलाप में विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर लिखो इसी में दरभंगा में, इसका प्रतिनिधि मलिक परिवार है। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। इसका प्रतिनिधि मलिक परिवार है, जिनमें प्रसिद्ध गायक हैं राम चतुर मलिक, जिनमें प्रसिद्ध गायक हैं राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी। क्या क्या लिखे आपने? राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सीताराम तिवारी। आगे लिखो बेतिया घराना, बेतिया, बेतिया घराना, बेतिया घराना। इसमें नौहर वाणी, इसमें नौहर वाणी और खंडार वाणी, इसमें नौहर वाणी एवं खंडार वाणी को सम्मिलित किया जाता है। इसमें नौहर वाणी एवं खंडार वाणी को सम्मिलित किया जाता है। इस शैली का प्रतिनिधि वाणी के टाइप है, मतलब ये भी गायन के टाइप है एक तरीके से। इसका प्रतिनिधि मिश्र परिवार है, इसका प्रतिनिधि मिश्र परिवार है, जिनमें प्रमुख है इंद्र किशोर मिश्रा। जिनमें प्रमुख है इंद्र किशोर मिश्रा। आगे लिखो तलवंडी घराना। तलवंडी एक्चुअल में कहाँ पर है? कहाँ पर है तलवंडी? कौन से देश में तलवंडी? तलवंडी है पाकिस्तान में, ठीक है? तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और
क्यों फेमस है ये? कि वहाँ पर गुरुद्वारा है, ठीक है, और वहाँ पर, यहाँ पर जो तलवंडी जगह है, यहाँ पर सिखों के पहले गुरु, क्या नाम था उनका? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने अधिकांश समय कहाँ पर बिताया था? तलवंडी में बिताए थे, इसलिए तलवंडी फेमस है। बट तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान। लिखो तलवंडी के बारे में। यह परिवार या तलवंडी घराना, तलवंडी घराना में लिखो, यह परिवार या यह घराना परिवार में, सॉरी, पाकिस्तान में स्थित है। यह घराना पाकिस्तान में स्थित है। इसमें यह घराना पाकिस्तान में स्थित है। इसमें खंडरवाणी गाई जाती है। इसमें खंडरवाणी गाई जाती है। कितने हो गए? 5। छठवा लिखो, ख्याल। ख्याल 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 में लिखो। ख्याल क्या है? ख्याल का मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है, तो इसमें लिखो या फिर विचार करना। ख्याल फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है, ख्याल फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सोचना अथवा विचार करना। ख्याल फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सोचना या विचार करना। इसकी स्थापना का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल रचना को बंदिश के नाम से, ख्याल रचना को बंदिश के नाम से जाना जाता है। बंदिश के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, ठीक है, तो जो भी ख्याल गाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बंदिश के नाम से जाना जाता है। बंदिश सुना है आप लोगों ने? एक मिनट, एक मिनट, नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। आगे लिखो, इसी में लिख रहा हूँ, मतलब हिंदुस्तान शैली के अंतर्गत क्या लिख रहे हैं? ख्याल के बारे में, ख्याल में लिखो थोड़ा, एक दो पॉइंट। ख्याल दो से लेकर 8 पंक्तियों वाले गीत होते हैं। ख्याल के दो प्रकार होते हैं, बड़ा ख्याल, ब्रैकेट में लिखना बड़ा ख्याल में, धीमी गति से गाया जाने वाला, और छोटा ख्याल, दो प्रकार के होते हैं, बड़ा ख्याल एवं छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल धीमी गति से और छोटा ख्याल तेज गति से। जैसे होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे बोलते हैं? वो धीरे बोलते हैं, धीमी गति से बोलते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो आक्रोश में बोलते हैं। आगे लिखो,
ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराने में लिखो। यह सबसे पुराने और सबसे बड़े घराने में से एक है। यह सबसे पुराने एवं यह सबसे पुराने लिखो ग्वालियर घराने में यह सबसे पुराने और यह सबसे पुराने एवं सबसे बड़ा घराना है। यह बहुत कठोर नियम का पालन करते हैं। इसका गायन बहुत जटिल होता है। इसमें लिखो प्रसिद्ध गायक, इसमें लिखो प्रसिद्ध गायक नाथू खान, प्रसिद्ध गायक नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं। लिखते बनेगा नाथू, इसमें लिखो नाथू खान और, नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं, विष्णु पलुस्कर हैं, पलुस्कर नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं। क्या बोले थे? यह कठोर नियमों का पालन करता है। बस इसका गायन जटिल होता है क्योंकि इसमें क्या है ना, राग और राग माधुर्य में और राग और आलाप में बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखो आठवां घराना किराना घराना, किराना, किराना वो वाला नहीं है जो आप लोग लेने जाते हैं ना दुकानों में, किराना। इसका नामकरण राजस्थान के, किराना में लिखो इसका नामकरण राजस्थान के किराना गांव पर हुआ है। इसका नामकरण राजस्थान के किराना गांव के नाम पर हुआ है। इसकी स्थापना नायक गोपाल ने की थी, इसकी स्थापना नायक गोपाल ने की थी, इसकी स्थापना नायक गोपाल ने की थी, किंतु इसे, किंतु इसे प्रसिद्धि किंतु इसे प्रसिद्धि तक पहुंचाने का श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को दिया जाता है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को दिया जाता है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को दिया जाता है। इसे धीमी गति से गाया जाता है। बस इसने लिख लो और अन्य गायक में लिख लो, उसमें पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, कितने पॉइंट हो गया? आठ, पंडित भीमसेन जोशी, आठ पॉइंट हो गए, दो पॉइंट बच गए हैं। लिख लो आगरा घराना, हाँ गायक है, गायक आगरा घराना, आगरा घराना, इसमें लिखो
इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे, इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे, हाजी सुजान खान थे। हाजी सुजान खान थे, हाजी सुजान खान थे, हाजी सुजान खान थे। इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। हाजी सुजान खान थे, इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है, इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गायक सी आर व्यास हैं, प्रसिद्ध गायक सी आर व्यास हैं, सी आर व्यास है। आगे लिखो, पटियाला घराना, पटियाला घराना, पटियाला घराना। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा सबसे पहले ध्रुपद के बारे में, उसके बाद डागरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दरभंगा घराना, दरभंगा घराने के बाद हमने पढ़ा बीतिया घराना, बीतिया के बाद तलवंडी घराना, और उसके बाद हमने पढ़ा ख्याल, ठीक है। तो जो ख्याल है, ख्याल के ही सब टाइप हैं, ख्याल के सब टाइप हैं, ग्वालियर, किराना और आगरा, और इसके बाद है पटियाला, ठीक है। तो इतना देखना नहीं है, अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इस टाइप से ही पढ़ना है, समझ आ रहा है। ध्रुपद, डागरी, दरभंगा, बेतिया, तलवंडी, ख्याल, ग्वालियर और किराना आगरा, समझ आ रहा है। अगर वैसे मैं लिखाऊंगा हर एक टाइप के सब टाइप, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट आगे लिखो, पटियाला घराना, पटियाला घराना, पटियाला घराना। उसमें लिखो पटियाला में बड़े फतेह अली खां और अली बख्श खान ने इसकी शुरुआत की थी। बड़े फतेह अली खां एवं बड़े फतेह अली खां एवं बड़े फतेह अली खां एवं बख्श खान ने, क्या लिखा आपने, बख्श लिखा है, बख्श खान ने, बड़े फतेह अली खां एवं बख्श खान ने इसकी शुरुआत की थी। इनमें भावनाओं पर अधिक बल दिया जाता है, इनमें भावनाओं पर अधिक बल दिया जाता है। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध, इस घराने के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान साहब थे, बड़े गुलाम, बड़े गुलाम अली खान साहब थे। आगे लिखो, खान थे। ख्याल नोट करके लिखना, ख्याल के अंतर्गत भिंडी बाजार घराने को भी सम्मिलित किया जाता है। भिंडी बाजार घराने को भी शामिल किया जाता है।
भिंडी बाजार घराने को भी शामिल किया जाता है। तो देखो यहाँ पर एक मिनट, हिंदुस्तान शैली को कितने भागों में डिवाइड किया गया? मेनली 10 भागों में डिवाइड किया गया। जो पहली शैली है वो है ध्रुपद, ठीक है, और ध्रुपद के अंतर्गत ही है डागरी, दरभंगा, बेतिया और तलवंडी। फिर ख्याल के अंतर्गत है ग्वालियर, किराना, आगरा और फिर क्या लिखा आपने इसके बाद? पटियाला और भिंडी बाजार। समझ आ रहा है? मतलब ये है इसके अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत है पूरा ध्रुपद के अंतर्गत, और ये किसके अंतर्गत है? ख्याल के अंतर्गत, ठीक है। अब लिखो कितने पॉइंट हो गए इसमें, 10-11वां पॉइंट लिखो। टप्पा शैली या ठुमरी, ठुमरी पहले ठुमरी लिख लो फिर टप्पा लिख लेंगे। ठुमरी, ठुमरी शैली, इन्हें प्रायः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। हाँ, इसमें कामुकता विद्यमान होती है। कामुकता का मतलब क्या होता है? मतलब आकर्षण, ठीक है, एक तरीके से आकर्षण। इसमें कामुकता विद्यमान होती है। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी ठुमरी एवं पंजाबी ठुमरी। पूर्वी ठुमरी में लिखो, इसे धीमी गति से गाया जाता है, और पंजाबी ठुमरी को तेज गति से गाया जाता है। पूर्वी ठुमरी को धीमी गति से गाया जाता है एवं पंजाबी ठुमरी को तेज गति से गाया जाता है। पहला है पूर्वी ठुमरी और दूसरा है पंजाबी ठुमरी। फिर लिख लो अन्य शैली, टप्पा शैली, घराना शैली, अन्य शैली में लिख लो, बस इतना सा पॉइंट लिख लो, उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अन्य शैली टप्पा शैली, तराना शैली, धमर होरी शैली, टप्पा शैली, उसके बाद लिखो इसी में आगे तराना शैली, उसके बाद लिखो धमर होरी शैली। इनको लिखाने का उद्देश्य है कि आपको पता हो कि ये भी संगीत की शैली है। आगे लिखो इसमें गजल। 12 कितने हो गए पॉइंट? 11। कैसे पॉइंट लिखे हो आपने? मतलब इनको, इसको पहला पॉइंट डाला ना आपने, ध्रुपद। कितने पॉइंट हुए? पहला ध्रुपद, दूसरा ख्याल, उसके बाद ध्रुपद ख्याल, एक मिनट, ध्रुपद धमर लिखा आपने, धमर होरी, ख्याल, टप्पा, तराना, ठुमरी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है सब? ये है हिंदुस्तान शैली के अंतर्गत, ठीक है। हिंदुस्तान शैली में पहला था ध्रुपद, ध्रुपद के अंतर्गत था डागरी, दरभंगा, बेतिया, तलवंडी, ठीक है। फिर ख्याल के अंतर्गत है ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला और भिंडी बाजार। उसके बाद शैली के आपने टाइप लिख लिए। तो कितने टाइप है मुख्य था? 10 टाइप है। हमने मेनली कितने टाइप पढ़ा है अच्छे से? हमने पढ़ा ध्रुपद के बारे में, उसके बाद ख्याल के बारे में पढ़ा हमने, और ख्याल के बाद ठुमरी बस, ठीक है। हाँ, फिर टप्पा, तराना, गमर होरी, ऐसे कितनी है? ऐसे मेनली कितनी है? 10 है। बाकी हमें किस पर ध्यान देना? ध्रुपद और ख्याल में। तो ध्रुपद के बारे में हमने पढ़ा कि ध्रुपद में आलाप में ध्यान दिया जाता है। इसके सब टाइप हमने पढ़ा डागरी के बारे में, दरभंगा, बेतिया और तलवंडी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कौन सा? ठुमरी? नहीं, ठुमरी अलग है, अलग वहाँ से अलग हो जाता है, तीसरा टाइप है।
समझ आ रहा है? तो आप लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, YouTube में जाके फिर से देख लेना, जितने बार हो सके देख लेना। और इससे पहले हमने लोक नृत्य पढ़ लिया है और लोक संगीत पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हमने वाद्य यंत्र भी पढ़ लिया है। आने वाले वीडियो में, मतलब कल, हम पढ़ेंगे मेलों के बारे में और त्यौहार के बारे में। वैसे आज पढ़ना था बट हम कल उसको पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।